कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की गई है। आपको बता दें कि वह करनाल के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताया। बता दें कि इस दौरान बारी बारी से सभी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। रेस्ट हाउस में पहुंचने पर विवेक बंसल का कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मान दिया गया। इस मौके पर विवेक बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में वह हर जिले में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं एवं पार्टी को मजबूत करने के लिए हाईकमान द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने मौजूदा सरकार पर बोलते हुए कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस अवसर पर विवेक बंसल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के विचार लिए जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेसी नेता वीरेंद्र राठौर, जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, सुरेश जोगिंदर चौहान, नरेंद्र विर्क, जोगा सिंह, संतोष आदि मौजूद रहे। के विवेक पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। किसान इतने भोले भाले हैं कि वो अपने भविष्य को नहीं समझते, वो इतने परिपक्व नहीं है कि हमारे पार्टी के कहने पर वो इतने दिनों से, देखिए एक दिन तो किसी को कोई बहका सकता है पर हमेशा के लिए नहीं बहका सकता, आज 60 दिन होने को आए हैं। अरे भाई आप बहका दो, हमने अगर उन्हें बहकाया है तो आप उनको सद्बुद्धि ला दो ना। अगर आप प्रयास तो करो, आप दिल्ली जाते हो, मुख्यमंत्री एक बार अगर यहाँ किसानों के बीच में आते तो उनकी 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 गरिमा कम नहीं हो जाती, उनका ओहदा कम नहीं हो जाता। बंसल जी, अगर रोज की बात करें तो 3 से 4 किसानों की रोज मौत हो रही है, चाहे हार्ट अटैक से चाहे एक्सीडेंट से, आंदोलनकारियों की। देखिए इनके सामने मानवीय जो नुकसान है उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर ऐसा होता तो नोटबंदी में कितने लोगों की जाने गई, पर प्रधानमंत्री जी ने एक आंसू नहीं बहाया उनके लिए, एक शब्द नहीं उनके मुंह से फूटा। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इनकी गद्दी पर ये सुरक्षित है, जब तक समाज में ये विघटन पैदा कर रहे हैं और शासन में है, इनको मानवीय कीमत की कोई परवाह नहीं है। कौन जाता है, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने में यकीन रखते हैं और जो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, कितना राष्ट्र प्रेम है वो आने वाले से अभी भी दिख रहा है वर्तमान में और आने वाले समय में और दिखे। तो वो सवाल उन्हीं से कीजिएगा। मैं इस सब पे, मैं तो जो जिस उद्देश्य से आया हूँ, अल्पमत से तो वैसे ही है, जब जन जन जिस सरकार को जनमत नहीं हो, आज जो बहुमत है यहाँ की जो हरियाणा की जनता है आज वो पूरी तरीके से इनके खिलाफ खड़ी है, तो जनमत तो है ही नहीं। और विधायकों का तो हमारे CLP जो विधानमंडल दल के नेता हुडा जी बार बार सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं महामहिम से, पर वो सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये तो खुद ही इस बात को जो बात कही जा रही है, आपने जो सवाल किया उसका उत्तर तो स्वतः ही मिल जाता है। बंसल जी, आप पार्टी को मजबूत करने की बात आप बार बार कह रहे हैं कि मजबूत पार्टी को करना होगा, लेकिन जो नेता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग क्यों जा रहे हैं? कहीं गुटबाजी नजर आती है, शैलजा मैडम अलग जाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग जाते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र इस प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता हैं, सबकी अपने अपने हलकों में कार्यक्रम लगे रहते हैं, तो सब एक साथ सबको ना तो संभव हो सकता है। और ये तो अच्छा है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो पार्टी की प्रतिबद्धता चारों तरफ किसानों के साथ दिख रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.